हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल फॉर कंपाउंड प्रोपोजिशंस देखेंगे। सबसे फर्स्ट आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपके प्रोपोजिशंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कितने प्रोपोजिशन आपको गिवन है। तो यहाँ पे कितने प्रोपोजिशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड करना है एंड क्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, पी एंड क्यू प्रोपोजिशन गिवन है, उसके बाद उसका नेगेशन एंड जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेशन गिवन है वो आपको फाइंड करना है। तो पी एंड क्यू इज़ अ बेसिक प्रोपोजिशंस आपको गिवन है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपके कॉम्बिनेशन कितने होंगे, एज यू नो टू आपको प्रोपोजिशन गिवन है तो उसके कॉम्बिनेशन आपके फोर कॉम्बिनेशंस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डैट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चारों कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। नाउ फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ क्यू फाइंड करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली पूरे ट्रुथ टेबल के साथ बताया है। ओके, ओके, सो फर्स्ट वी हैव नेगेशन ऑफ क्यू। एज यू नो, नेगेशन ऑफ क्यू इज जहाँ पे आपका ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा, और जहाँ भी फॉल्स कंडीशन गिवन है उसका नॉट या नेगेशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डैट आपका क्यू यहाँ पे ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, लास्ट इज फॉल्स तो अगेन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेगेशन ऑफ क्यू। ये वाली जो वैल्यू है आपको और करना है नॉर्मल क्यू के साथ, और करना है नॉर्मल क्यू के साथ ना। तो और करना है तो और का क्या रूल होता है आपका, अगर इफ़ एनी वन वैल्यू इज़ ट्रू, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, ट्रू हो जाता है। और के केस में कोई एक स्टेटमेंट भी अगर आपका क्या होगा, ट्रू होगा, तो वहाँ पे आंसर आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपका और का कंडीशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू डैट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक भी ट्रू आया तो येस इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज अगेन इट इज़ अगेन ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू आपको गिवन है तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा। यहाँ पे भी आपको ट्रू गिवन है तो यहाँ पे आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, पी एंड, ओके, पी एंड ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ठीक है, ये जो आपका गिवन है ना एक्सप्रेशन, उसको आपको एंड करना है पी के साथ। पी के साथ जब एंड करते हैं तो अब एंड का रूल क्या होता है, ठीक है, एंड का रूल आपका क्या होता है कि जब भी आपको दोनों स्टेटमेंट ट्रू गिवन होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, इन सबको आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं कि कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा एंड और नॉट की कंडीशन के लिए। तो एंड की कंडीशन हम देख लेते हैं, जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तब आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो जब भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे आपको किसको एंड करना है, पी, दिस वन पी, एंड इसको एंड करना है। जब भी दोनों ट्रू होंगे तो इट गिव्स यू ट्रू। अगेन यहाँ पे भी आपका क्या है, आंसर ट्रू है तो ये भी ट्रू देगा, एंड फॉल्स एंड ट्रू है तो अगेन इट गिव्स यू फॉल्स, अगेन फॉल्स एंड ट्रू है तो ये भी आपको क्या होगा, फॉल्स देगा। तो आई होप फर्स्ट वाला आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमें गिवन है कि नेगेशन ऑफ, एक्सप्रेशन है पी और क्यू। तो पी और क्यू आप फाइंड करेंगे, अगेन आपका क्या बनेगा, यहाँ पे पी एंड क्यू दो ही आपको गिवन है हर बार, है ना। तो P एंड Q यानी कि फोर कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे यहाँ पे। तो फोर कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको अगर यहाँ पे R साथ में गिवन होता तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, यहाँ पे आपके 2 to the power 3 यानी कि कितने, 8 कॉम्बिनेशन बन जाते, राइट। सो यहाँ पे दो हैं तो अगेन आपके यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन P एंड Q के बनेंगे। उसके बाद आप उनको क्या करेंगे, आप उनको करेंगे और फिर उसके बाद उसका नेगेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट फाइंड करेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, देन उसका एंड करेंगे एंड उसका क्या कर देंगे, और वाला स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, सो फॉर सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, नेगेशन ऑफ P। ओके, नेगेशन ऑफ P आपका क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी इज ट्रू दिया है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, एज यू नो द रूल्स, ठीक है, ये रूल्स आपको याद हैं आई होप। ओके, नेक्स्ट इज आपको ट्रू अगेन यहाँ पे दिया है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स दिया है तो ट्रू हो जाएगा, अगेन फॉल्स दिया है तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू आपका क्या हो जाएगा, ट्रू गिवन है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स गिवन है तो ट्रू हो जाएगा, अगेन यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है P
पी और क्यू, ठीक है, सेकेंड वाला हम कर रहे हैं पी और क्यू। तो और क्या हो जाता है, और का रूल होता है इफ़ एनी वन वैल्यू इज़ ट्रू इट गिव्स यू ट्रू, ठीक है, दोनों में से पी एंड क्यू में से कोई भी एक ट्रू है तो वो आपको ट्रू देगा। तो पी एंड क्यू में से कोई भी अगर ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा, ओके, यहाँ पे भी ट्रू मिलेगा। लास्ट वाला दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इट गिव्स यू फॉल्स एज आंसर। नाउ नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो अब इसका नेगेशन आपको फाइंड कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज़ फॉल्स, दिस वन इज़ फॉल्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। नाउ नेगेशन ऑफ पी एंड करना है नेगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको एंड करना है। तो अगेन एंड का क्या होता है, जब दोनों कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है, इट गिव्स यू ट्रू, अदरवाइज इट गिव्स यू फॉल्स, ओके। तो जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी आपकी, ओके, दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स है तो फॉल्स, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स अदर इज ट्रू, तो ये भी आपको फॉल्स देगा, ठीक है, ये भी आपको फॉल्स देगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ओके। लास्ट इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, लास्ट आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों को जो भी आपने स्टेटमेंट अभी फाइंड किया, ठीक है, उन दोनों का आपको क्या करना है, और करना है, ओके, तो इन दोनों का आपको और करना है। तो आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है, इसका आपको और करना है किसके साथ, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के साथ, इस वाले के साथ आपको इसका और फाइंड करना है। सो फॉर डैट आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपको और करना है, राइट। तो और का क्या रूल होता है, इफ़ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इट गिव्स यू ट्रू, अदरवाइज इट गिव्स यू फॉल्स। तो इसका फाइनल टेबल आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अगेन ये दोनों आपके फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आएगा, लास्ट वन तीन बार आपका फॉल्स आंसर आएगा बिकॉज बोथ ऑफ दी कंडीशंस आर फॉल्स। नाउ लास्ट कंडीशन इज ट्रू, लास्ट कंडीशन ट्रू है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ओके। सो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको अगर कभी भी प्रोपोजिशन गिविन हो, ठीक है, कंपाउंड प्रोपोजिशन गिविन हो, तो उसका ट्रुथ टेबल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार आपकी जो आंसर्स हैं, जो आंसर्स जो आ रहे हैं, फाइनल आंसर आ रहे हैं, कई बार सेम आ रहे हैं, ठीक है, फाइनल आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, लाइक दिस, कि ये वाला आंसर जो है पूरा आपका, ये जो आपका जितने भी वैल्यूज़ आएँ, इट इक्वल्स टू दिस वैल्यू ऑल्सो, ये आपका क्या हो जाता है, इट इज़ अ लॉजिकली इक्विवेलेंस। मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हैं कि पी नेगेशन ऑफ पी और क्यू, दिस वन इज लॉजिकली इक्वल का ये साइन होता है, लॉजिकली इक्वल्स टू योर नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। आई होप इट इज़ क्लियर कि ये वाला जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है, इट इज़ लॉजिकली इक्वल्स टू दिस वन, ओके, क्यों, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज़ जो है वो आपकी सेम आ रही है, ठीक है, जितना भी आपका ट्रुथ वैल्यूज़ आ रही है वो सेम आ रही है, दैट इज़ वाई आपका दिस स्टेटमेंट इज़ लॉजिकली इक्वल्स टू दिस वन। सेम वे नेक्स्ट आपका जो गिविन स्टेटमेंट है, ये वाला, ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट जो गिविन है, ये भी कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है, ये भी आपका जो फाइनल आंसर जो है ना, इसके क्या आ रहा है, लॉजिकली इक्विवेलेंट आ रहा है। कैसे इक्विवेलेंट आ रहा है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या है, सेम है, ओके। इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ अ गिवन कंपाउंड प्रोपोजिशन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लॉजिकल इक्विवेलेंस को देखेंगे, ओके। थैंक यू।